दिल्ली में सर्दियों का मौसम आ गया है। जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे शीतलहर चलनी शुरू हो जाती है। वहीं केजरीवाल जी ने वादा किया था नाइट शेल्टर देने का, तो अभी हम आए हैं पहाड़गंज के एक नाइट शेल्टर में। तो चलिए जानते हैं यहाँ के हालात कैसे हैं, कैसी यहाँ पर साफ सफाई है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ के लोगों को दी जा रही हैं। साथ ही बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। कुछ दवाई पानी नहीं दी जा रही आपको? कोई नहीं। मैडम ये बाहर के सो रहे, अंदर क्यों नहीं सो रहे हो आप? बेटी हाँ। अंदर गंदा बहुत है, बोल के अंदर नहीं जाते। यहाँ इस टाइम तो कोई भी सुविधा नहीं है। अच्छा। जैसे पहले था कि अगर जरा सा भी कुछ खराबी होती थी तो कोई ना कोई आ जाता था या कोई परेशानी होती थी। अब यहाँ पर टूट फूट सब कुछ हो रही है और छत तो बिल्कुल गिरा हुआ है, सारी जगह से टूट रही है, कब गिर जाए कुछ नहीं पता। और एक ये बच्ची है, इस पे गिर गई थी, छत लिंटर गिर गया था इसके ऊपर, ये देखिए इसके अभी तक निशान है। हाँ इसको निशान है सर, इसकी लिंटर ही गिरा था, ये देखो इसके ऊपर लिंटर गिरा था, ऐसे कैसे निशान अभी भी है। ये बता मैम इसमें कहाँ से झाड़ू लगेगा, इसमें झाड़ू कहाँ से लगेगा, इसमें झाड़ू कैसे लगेगा, तो धुलाई कैसे होगा, इसमें कैसे धुलाई होगा, ये सारा फूटा पड़ा है, कैसे धुलाई होगा। बाथरूम में पीछे नल चालू है नहीं तो बाथरूम कैसे सफाई होगा। आप लोगों ने देखा कि यहाँ की हालत नरक जैसी हो गई है, इतनी गंदगी यहाँ पर है, पर कोई भी सुविधा यहाँ के लोगों को नहीं दी जा रही। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया जी का कहना है कि लोगों को सुविधा मिलना उनका हक है। केजरीवाल जी भी पता नहीं कितने वादे हर साल करते हैं, लेकिन लगता है कि जैसे दिल्ली की हवा में पोल्यूशन है वैसे ही दिल्ली के मालिक केजरीवाल जी की भी बातें हवा हवा में रह जाती हैं।